टीचर का तबादला होते वक्त आपने छात्रों को रोते हुए तो खूब देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि टीचर का तबादला रुकवाने के लिए छात्र खुद ही आगे आए? ठीक ऐसा ही हुआ है बादली उपमंडल में, जहां टीचर का तबादला रुकवाने के लिए छात्र डीसी के पास पहुंच गए। दरअसल जहांगीरपुर गांव में स्थित आईटीआई में सोमवीर जनरल ट्रेड में पढ़ाते थे, जिनका तबादला मेवात जिले में कर दिया गया। आईटीआई के छात्र अपने शिक्षक के इस तबादले से नाखुश हैं। उनका कहना है कि उनके शिक्षक सोमवीर का तबादला बिना किसी कारण के मेवात जिले में कर दिया गया है, जबकि यहां पर उनके द्वारा आईटीआई में आने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जा रही थी और अब तबादला हो जाने के कारण बच्चे सही प्रकार से पढ़ नहीं पाएंगे। ऐसे लेकर आईटीआई के छात्रों ने आज अपने शिक्षक का तबादला रुकवाने के लिए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। मास्टर की काम बिना तस्तीब के बदला करवा दी, बदली होगी, बदली करवा दी। कहाँ होगी? मेवात। अच्छा, क्या नाम है उनका? सोमवीर। क्या करवाते थे, कौन सा ट्रेड था? टनल ट्रेड थी। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप सभी? कि हमारे मास्टर को वापस ले आ जाए, नहीं तो हम आईटीएम नहीं जाएंगे। अच्छा, कितने स्टूडेंट हैं? हम करीबन 30 या 40 स्टूडेंट हैं। अच्छा, सभी लामबद्ध हो आप? यस। पीछे दिनों आपने विशाल एसडीएम बादली को भी दिया था ज्ञापन, तो क्या कुछ हुआ? कोई उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वहीं छात्रों का कहना है कि जब तक उनके शिक्षक सोमवीर को वापस इसी आईटीआई में नहीं लगाया जाता, तब तक वो आईटीआई में पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि छात्रों के इस मांग को विभाग मानता है या नहीं। क्या शिक्षक सोमवीर की ट्रांसफर वापसी इसी आईटीआई में भेजा जाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। झज्जर से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।